How you doing, buddy? Doing good, yo. क्या बोलते हो, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मेरे चल रहा है एक नंबर, मचा रहे और आपसे आज मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी वाइब मिली और बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग के पास, मतलब बहुत क्रेजी वाला फ्लो है और बात करते करते आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस सबको पता चलेगा, आपके अंदर डांस की जो पैशन था वो, आप जो मैसेज देना चाहते हो सब लोगों को वो हम पहुँचाएंगे और आपके सभी फैंस के लिए भी जो आप बोलना चाहते हो वो भी हम लोग बात करेंगे एंड वी आर ऑल्सो गोना टॉक अबाउट योर जर्नी. सो हाउ यू बीन जर्नी? जर्नी वॉज टोटली क्रेजी. अभी भी याद है मुझे फर्स्ट डे ऑफ रिहर्सल जिंगल बेल स्कूल. या सो वहाँ से जर्नी मेरी चालू है एंड इतनी लंबी जगह आके पहुँच गया हूँ. काफ़ी सो आई एम रियली थैंक्स टू माय गुरुज सुरेश एंड वर्नन, बिकॉज उन लोग की वजह से मैं आज यहाँ हूँ एंड फीलिंग गुड. जर्नी वॉज सुपर क्रेजी एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन, वर्किंग हार्ड फॉर नेक्स्ट स्टेप. फुल पावर. एंड और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ सब लोगों को, आई वांट टू टेल वन थिंग टू एवरीवन दैट ही हैज वर्क सो मच एज एन आर्टिस्ट, ही हैज आल्सो बीन टू द डांस कम्युनिटी फ्रॉम हिज साइड एज वेल एंड वी गोना टॉक अबाउट यू नो हिज जर्नी एंड हिज लाइफ एंड हाउ ही मेड इट दिस फार. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर. थैंक यू सो मच. और सबसे पहली बात तो ये बात पूछना चाहता हूँ आपको कि लाइक फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स आर यू डांसिंग? इट्स बीन 14 और 15 ईयर्स. उसके पहले भी करता था बट इतना मतलब फोकसली कभी मैंने ये चीज़ पे काम नहीं किया, तो या 15 ईयर्स बोल सकते हैं वहाँ से फोकसली काम करते करते. राइट. एंड ऑब्वियसली लाइक यू नो देर आर सो मेनी डांसेस एंड यू नो मेकिंग योर ओन स्टाइल, मेकिंग योर ओन प्लेस इन दैट, इट्स अ वेरी क्रेजी अचीवमेंट. और इसके अंदर इनका म्यूजिक भी बहुत मुझे लगता है मायने रखता है और आपका म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा जो इनका स्पेशली है इनका चॉइस. तो डांस और म्यूजिक आप कैसे कनेक्ट करते हो, मतलब कि क्या वाइब क्या एक्चुअली है? ऑब्वियसली गोवन कल्चर, जो कल्चर में चल रहा है उसमें आपको मतलब वो चीज़ को फाइंड आउट करना वो आपका ओन चॉइस है, ठीक है? सो ऑब्वियसली चॉइस माय ओन कम्फर्ट जोन, जो ऑब्वियसली जो मेरे को वाइब देता है, जैसे कि डिवाइन सर है और क्रिस ब्राउन सर है, ये इनके गाने बहुत मेरे को सुन के बहुत अच्छी फील आती भी है और मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक ये चीज़ मेरे को ऐसी वाइब दे रही है, तो आई कैन चेंज माई सेल्फ, थोड़ा अपग्रेड होना मेरे को उस पर थोड़ा ये मजबूर कर देता है. तो आगे बढ़ते हैं और आप मतलब कि बेसिकली आप मुंबई के तो हो ही, मुंबई में आप कहाँ से मतलब बिलोंग करते? मुंबई आई बिलोंग टू नाला सुपारा, होम प्लेस. सभी को पता है ये नाला सुपारा क्या है, कमाल के. या सो नाला सुपारा वैसे ही. एंड जैसे कि यू नो एज यू सेड कि 14 इयर्स ऑफ डांस एक्सपीरियंस एंड देयर व्हेन यू रीच्ड अ लेवल वेयर यू वेंट इंटरनेशनल, so any international experience which was very close to your you know ki matlab ki this was a great tour aur main idhar gaya aur maine matlab inke sath kaam kiya, shooting bhi hui hogi bahar, picture mein bhi kaam kiya inhone, to wo kya experience raha uska? Out of the ek matlab competitions ke liye filhal to bahut zyada gaya hu, baki work based pe wahi street dancer उसके थ्रू गया था एंड एक टूर था ग्रुप का, सो उसके बेस पे. सो फर्स्ट जर्नी वॉज 2012, देन 2015, फिर 16 में मूवी के लिए गया, फिर वापस 18 और 19 तभी. सो इट वाज गुड. सबसे ज़्यादा तो मेरे को कॉम्पिटिशन्स की वाइब बहुत पसंद है, वो तो होता ही, बैटल का तो अलग ही वाइब. सो कॉम्पिटिशन वाइब्स आर रियली गुड और एहसास दिलाती है कि भाई ये चीज़ राइट वेरी गुड सोशल मीडिया यू नो फैन बेस एंड स्टफ. So let's talk about that, के fan base वालों को आपको क्या मतलब कुछ message वगैरह देना है कि मतलब you know about the upcoming So yeah, when I got this news by Varun sir, he showed me
दिस ऐप इज गोना वर्क फॉर द कम्युनिटी. सो आई वाज लाइक वाओ, अच्छा है ये ऐप तो, मतलब डांसर्स लोग के लिए काफ़ी अच्छा है. और आई फील कि आपको ये सब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये ऐप के थ्रू. सो ये आर शो योर टैलेंट. सोशल यू साइड तो है बेस्ट. ही प्यार करने के लिए, और सोशल साइड की फैमिली बहुत ही अच्छी होती है. अब मतलब आप ये चीज़ पे वर्कआउट करोगे, आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सो या दिस ऐप इज़ रियली कूल एंड रियली लविंग इट. और मज़ा आया मुझे ये ऐप को ज्वाइन करके. आई फील गुड. द फैन बेस विच यू हैव ऑलरेडी ऑन योर इंस्टाग्राम, या वेरी इंगेजिंग ऑडियंस, वेरी गुड ऑडियंस, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? फर्स्टली आई लव यू गाइस एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस, बिकॉज आप मुझे इतना प्यार देते हो, इतने मतलब जो मैं टैलेंट दिखाता हूँ वो टैलेंट को आप इतना अप्रिशिएट करते हो, एंड दैट थिंग मेक्स मी फील गुड. सो या आई रियली लव यू गाइस फॉर दिस. रिस्पेक्ट. एंड काफ़ी मतलब कि आपके स्टूडेंट्स भी हैं और अपकमिंग जो अभी मतलब सीख रहे हैं या जो मतलब कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, तो लोग आप क्या मोटिवेशन या कुछ ऐसा वन टिप वुड यू लाइक टू गिव देम? ये जनरेशन के बच्चे तो तोड़ रहे, काफ़ी तोड़ रहे, काफ़ी ऐसे बच्चे लोग कि इनको अपॉर्चुनिटी मिली भी नहीं होगी. बढ़िया, कभी ना कभी दिल कम अप, हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ करता पे ही ऑफ है. करते हैं. सो कीप वर्किंग हार्ड. कभी भी ऐसा फील करे कि लाइक द थिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, यू शुड शेयर अपने दोस्तों के साथ जो आपको ये चीज़ के लिए मतलब ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करता है. आप इनसे बात कीजिए, डेफिनेटली यू विल फाइंड अ गुड वे. लाइक ट्रू वर्ड्स, एंड ऑब्वियसली या एवरी आर्टिस्ट हैज गॉट देयर ओन डेडिकेशन, हार्ड वर्क, एवरीथिंग या बिहाइंड, एंड यू हैव डन अ वेरी गुड थिंग इन मोटिवेटिंग एंड मेकिंग सो मेनी यू नो फैंस ऑल्सो, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट बेस ऑल्सो. दैट्स अ रियली क्रेजी थिंग. और आप लोग को शायद पता रहेगा, काफ़ी लोगों, आप लोगों को शायद किसी लोगों को पता नहीं, उनको भी मैं बता दूँ कि जो भी मतलब बहुत खतरनाक डांस इन्फ्लुएंसेस है, जो भी मतलब ऐसे बहुत फाड़ू है अपने इंडिया के, उन सभी के साथ में भाई ने काम किया हुआ है ऑलरेडी. और आई थिंक काफ़ी मतलब बॉलीवुड सेलेब्स के साथ में भी जो है, उनके साथ में भी आपने किया है, वाइब भी किया है, काम भी किया है. एक्सपीरियंस आपका मतलब कैसे रहा? वो हर एक आर्टिस्ट के रहता है, मतलब एक लाइफ चेंजिंग सीन रहता है वो अपने आप में ही. स्पेशली स्टार्स लोग के साथ काम करके आई रियली फेल्ट गुड. और वो जोन थोड़ा मतलब अलग है. सो मज़ा है, वो चीज़ में भी मज़ा है, ये चीज़ में भी मज़ा है. सो ऑब्वियसली वही हो, माहौल के हिसाब से जो काम बनता है बनाते जाओ, आर्टिस्ट करते का जाओ. काम, राइट. ऑब्वियसली वो चीज़ आप जितना आप अच्छा इनपुट डालोगे वो चीज़ में, सो ना प्रोडक्ट अच्छा हाँ बाहर आएगा. यस ऑब्वियसली यस. बराबर. सो इट्स गुड, स्टार्स गुड, स्टार्स गुड, माहौल गुड. वी आल्सो स्टार्स, वी आर नो वाचिंग, वी आर वर्किंग आवर वे टुवर्ड्स बीइंग वर्किंग स्टार्स. हार्ड फॉर वर्किंग हार्ड फॉर नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप.